आज ही इस तकरीब में हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है। हमारे साथ मिस्टर राजा बिलाल जुड़े हैं, म्यूजिक कंपोजर और कश्मीर के बहुत ही मारूफ सिंगर। हमारे सामने मिस्टर शबीर हकाक हैं, और भी जिन मेहमान का मैं नाम भूल रही हूँ वो मुश्ताक अहमद, प्रेसिडेंट नेशनल भान थिएटर। क्या कि आप इस तकरीब में आए क्योंकि आपकी वो जो इसी फ्रेटर्निटी सी है, आर्टिस्टिक फ्रेटर्निटी, उसकी कदर क्या है, आर्टिस्ट की कला क्या है। तो आज सेंटर पटियाला की एक बहुत उसको यंग जनरेशन तक या उसे को दुनिया के हर कोने में लेके जाते हैं। एंड मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि अदर फोक जो भी है कश्मीर का उसको हमेशा लेके जाते हैं, और ये कश्मीर की नई साफ बने सर बसर बने तत्वच में एक्सी सजद करान हित मुसलमान, तत्वच में एक्सी सजद करान हित मुसलमान, एंड खुद क्या तम लोल के शहरिच खबर बने। ये सूफियाना मौसिकी आपके सामने उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख साहब ने पेश की। अब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा, गुरु शिष्य परंपरा वर्कशॉप जो चला था उसके चलते हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो उस्ताद हैं, जो उसमें गुरु रहे हैं, तो उन्होंने कई सारे बच्चों को जो है वो तरबियत दी है, आर्टिस्टिक अपना स्किल दिया है उनमें, उनको सिखाया है, उनको पढ़ाया है। हमारे कश्मीरी फोक की बात हो, लाइट म्यूजिक की बात हो, तो अभी आप उसकी एक अकासी देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब जो अगला प्रोग्राम है वो इसी चीज को दर्शाएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से सीखे हैं अपने जो पैटर्न्स हैं या मेंटर्स हैं उनके पास। तो अगला जो प्रोग्राम होगा वो लाइट म्यूजिक होगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आएगा। बंड पोथर पख तारे
गामन गुठन कलम मजन पेश यहाँ कर एतबार सारी फहरस्त सुबह अब आर्टिस्ट गावन कर मशहूर डल तो नसीम बाग लख तो सरकार क्या तुंद खूबसूरती बढ़ाने बाप कर सरकार गंदो नसो तक जशन मनाओ बेशक तुम नीरू तुम गु वापस पे बुजरस पे सपद मुलाकात पोलूशन सत बनो इंसान ए रज मे कर वाया बर्बदी आब कुर नापा ए रज यम जंगल सान खुद जरूरी है तम ते मकल मे इंसान Thank you.
इत्तला करते हैं, मैं मिस्टर बशीर भवानी को दावत देती हूँ, वो प्लीज स्टेज पे आए। कुछ गेस्ट जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, वो हमारे जो मोमेंटो जिनको मिल रहे हैं उनको एजाज देंगे। सभी लंबे समय से कार्यक्रम देख रहे हैं, स्पेशली मैं मैडम हरिंदर कौर जी, सेक्रेटरी जेके एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, और अब्दुल्ला अबानी जी, उनका धन्यवाद हूँ जिन्होंने हमें सहयोग दिया, यह कार्यक्रम किया। और मैं आशा करता हूँ कि एकेडमी के साथ हमारे आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेंगे। सेरेमनी खत्म ना हो, डॉक्टर्स बजाएंगे। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर वाहिद कल्चरल जोन यमो ये कल्चर प्रमोट तो प्रिजर्व कर नये नये कलाकार दुख मौक अत मन खे खो गुरु शिशी परम्परा स्कीम अख कर्म तथ मो नये नये बच्चे तैयार तिम नफर दिमो गुरु शिशी परम्परा यम डिजर्व कर पनस पनस फील्डस मज नाव कमोमुत तमो यम गुरु तथ मज वहीद जिलानी या मोहम्मद याकूब शेख गुलाम महीदीन आजिद इथे पमो कई नये लड़क तैयार यमो पनस पनस फील्डस मज मेहनत कर तो वनकस यन परफारमेंस हवक नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ तो बे जे एंड के एकेडमी हिंदी तरफ कशर कल्चर जिंद बाप क्या कुछ कशर इस सोन विरासत ये नाव ट्रेडिशनल कल्चर बंड पत्र या दम्बाली डांस रोप डांस या ये सूफियाना मौसीकी बचे नगम सारी कर बाकिन स्टेटन में सूज अस पन्नी तरफ नॉर्थ जोन की तरफ अलग अलग स्टेटस में करो पन्नी परफारमेंस अवार्ड नियक बाकी चीज नियक यथ मन अस कशीर मारूफ फनकार नजीर गुलगामी साहब इस बच नगमस मन तो गिलास डांस मशहूर आज मैं जरनैल सिंह फ्रॉम नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला संस्कृति विभाग भारत सरकार की तरफ से आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आज का कार्यक्रम लोक विरासत जो डाइंग आर्ट फॉर्म है, जो लुप्त हो रही हमारी कलाएं हैं, उनका ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है गुरु शिष्य परंपरा, इसके तहत हमने सभी गुरुओं को एक वर्कशॉप लगाने के लिए दी थी और उनके जो तैयार किया सारा कुछ हुआ है उसका हम ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम भारतवर्ष में हो रहे हैं। 4 तारीख को हमने जम्मू में ये कार्यक्रम किया था और आज ये 6 तारीख को श्रीनगर में टैगोर हॉल में कर रहे हैं। क्या कुछ मकसद होते हैं इन जैसे प्रोग्राम? मकसद ये होता है जो कलाएं हमारी ख़त्म होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, उनको आगे अगली जनरेशन में चलता रहे, वो कला चलती रहे, इसका यही मकसद होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कला को बढ़ावा मिलता रहे, लोग करते रहें और देखते रहें।